Hello everyone. Hi, this is Mithali. Welcome back to evidyarthi.in. Chaliye, start karte apne next example ke saath. We are on page number 33, example number 3. So, let's check it out. Kya hai question mein? Check whether minus 2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2. So, here we have a polynomial. Ab batana kya hai? Ki kya minus 2 or 2 iske zeros hai? So, zeros kya hote hai? Basically, वो roots के बारे में हमसे पूछ रहे हैं कि क्या वो इस polynomial को satisfy कर पाएंगे, क्या वो इसका एक solution बन सकते हैं या नहीं, ठीक है? So कैसे check करेंगे? सबसे पहले अपने polynomial को हम कुछ label कर लेते हैं, मान के चलते हैं. So let px यानी कि हमारा जो polynomial है, वो मैं उसे px से denote कर रही हूँ, ठीक है? अब क्या करेंगे? हमें minus two value check करनी है ना? x की जगह पे हम क्या करेंगे, एक बार -2 की वैल्यू रखेंगे और एक बार 2 की वैल्यू, और अगर हमारा वेरिएबल को रख के आंसर 0 आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, दैट द रिक्वायर्ड नंबर जो भी हमने लिया है इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, ठीक है? सो क्या करते हैं, सबसे पहले से चेक करते हैं p -2 यानी कि x की जगह पे हमें -2 रखना है. तो यहां पर -2 रख दिया मैंने x की जगह पे +2, तो क्या आ जाएगा, -2 +2 will be equals to 0. सो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई हमारा -2 0 है. अब क्या चेक करेंगे कि क्या 2 भी 0 है. सो लेट्स चेक इट हियर. अब हम क्या करते हैं, एक केस में हमने p को 2 रख के देख लिया, ठीक है? लेट x equals to 2 कुछ मान के चल सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली सेकंड केस में अपने x की जगह पे हमने 2 रख लिया. We have 2 plus 2. हमारा वेरिएबल क्या, हमारा पॉलीनोमियल क्या है, px क्या है, x plus 2. तो हमने 2 plus 2 करा, 4 आ गया. अब इससे तो आंसर हमारा 0 नहीं आया ना, this 4 can never be equals to 0. Fine. So हम क्या कह सकते हैं, ultimately -2 is a 0 of the polynomial. कौन सा पॉलीनोमियल हमने लिया है, x plus 2, ठीक है? only -2 is a 0, सिर्फ -2 ही 0 है, 2 is not a 0. why? because हमें अगर value हमने put करी है अपने variable में, तो this is not equals to 0, हमें 0 चाहिए होता है, और यहाँ पर 0 नहीं आया, that is why हम क्या कह सकते हैं, that only -2 is a 0 of the given polynomial which is equals to x plus 2. Okay? So I hope aapko example samajh aaya ho. Now we are moving towards our next example. Up till then, keep learning, keep watching. Bye-bye.